चीज़ का आपको इंतज़ार था वो मैं आज के स्टूडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि मेरी अर्निंग कितनी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा बड़े एंड काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए मैंने वैसे क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आप कितना टाइम देते हो अपनी ड्राइंग को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है एंड यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जितना मुझे टाइम मिलता है उतना ही ज़्यादा मैं ड्राइंग करता हूँ। अगर मुझे मिल रहे हैं 8 आवर्स तो 8 के 8 आवर्स ड्राइंग करनी है। अगर मुझे मिल रहा है 5 आवर्स तो 5 आवर्स ड्राइंग करूँगा। तो जितना टाइम मिलेगा उतना ही ड्राइंग करेंगे एंड मुझे ड्राइंग इतनी ज़्यादा पसंद है कि आपको पता ही है। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ। आप फोटो कहाँ से लेते हो? तो मैं तो पर्सनली प्रेफर करूँगा जो है पिंस्टर्ट, वहीं से मैं सारी फ़ोटोज़ निकालता हूँ। बहुत ज़्यादा मस्त वेबसाइट है, मतलब वेबसाइट नहीं ऐप है, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। हाउ टू शूट रियलिस्टिक स्किन, ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका तो आपको आंसर सिर्फ एक ही है, वो है वीडियो। इस चैनल की वीडियो ज़रूर वॉच करना जिसका मैंने लिंक दे रहा हूँ अभी। यह पाठ अगुराज जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाते हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा स्किन का मतलब रियलिस्टिक स्किन का ट्यूटोरियल दिया है, तो जरूर से जाके देख लेना। आप कितना अर्न करते हो, यह अगला क्वेश्चन, पर इसको हम अभी नहीं बताएंगे, कहीं भी बताएंगे ताकि आप पूरी वीडियो देखें। टोटका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपकी एज कितनी है। तो आप पहले अंदाज़ लगाइए कितनी होगी, क्योंकि मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस में बताई है ना अपनी एज, पर फिर भी बेचारे लोग पता नहीं क्या हैं। यही इस क्वेश्चन में कह रहा, ये क्वेश्चन हमारे चैनल का 10% कमेंट्स भर देता है, जो भी होते हैं ना कि आपकी एज कितनी है और स्टैंडर्ड कितनी है। एंड यहाँ पे लोग एक दूसरे को ही बताते रहते हैं कि मेरी एज 13 है, इसकी एज हमेशा 13 है, ये 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। एंड काफ़ी ज़्यादा जो मेरे दोस्त हैं ना वो भी लिख देते हैं इनके रिप्लाइज खुद ही, एंड मम्मी तो है ही, रिप्लाइज निकलेंगे। मेरा मुँह तो निकल गई। विच स्प्रे डू यू यूज़ आफ्टर ड्राइंग? तो भाई सबको पता है कि ड्राइंग के बाद हमें हमेशा हाथ धोने चाहिए, पर मैं कभी हाथ नहीं धोता हूँ। मैं करता हूँ सबसे पहले फिक्सेटिव स्प्रे, तो ये है फिक्सेटिव कैमलिन का, एंड ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा पड़ा। पता है क्या, मैंने जब देख रहा था ना कि ये भाई कुछ और चीज़ आ चुकी है, पर ये ही था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था इसको अनबॉक्स करने में। एंड इसके अंदर से बबल रैप मिली थी जो कि मेरी फेवरेट होती है हमेशा। विच कलर पेंसिल डू यू यूज? इसमें मुझे दोबारा खोलना पड़ेगा अपना खजाना एंड इसके अंदर से निकालेंगे। ये कलर पेंसिल्स मैं यूज़ करता हूँ, एंड अगर मैं पहले की बात करूँ, ये तो मैंने अभी ली है, ये मैं पहले यूज़ करता था बाई कलर पेंसिल्स, पर ये वाली थोड़ी महंगी है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है, 200 रुपये ये आपको मिल जाएंगी आराम से अमेज़ोन पे। मुझे 280 रुपीज़ की, 280 रुपीज़ की पड़ी, क्योंकि डिलीवरी चार्जेस ऊपर से थोप देते हैं अमेज़ोन वाले हमारे ऊपर। मैं गरीब हूँ। व्हाट इज़ योर सीक्रेट ऑफ ड्राइंग? आप ड्राइंग इम्प्रूव कैसे करी, आपने इतनी अच्छी ड्राइंग कैसे बनाते हो? ये 3 क्वेश्चंस रेगुलर मेरे चैनल पे रहते हैं। तो भाई ये तो आपको सिर्फ एक ही काम बता सकता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस कीजिए और कुछ नहीं कीजिए, मतलब अपना काम जो आपको करना है वो भी कर लीजिए, पर प्रैक्टिस जरूर करना। जितना आपको टाइम मिले 1 घंटा 2 घंटा आप ड्राइंग को दीजिए, तो आपकी ड्राइंग कैसे नहीं इम्प्रूव होगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। विच पेंसिल्स आर बेस्ट? तो भाई मैं प्रेफर करूँगा स्टेडलर्स। चल झूठ नहीं, अगर आप बिगिनर हो तो आप यूज़ करिए ये अप्सरा की, क्योंकि ये मैंने शुरू में यूज़ करी है एंड बेस्ट रिजल्ट आता है। आपकी मैक्स लिमिट तक आपको लेके जा सकती है अप्सरा भी, एंड आपको अगर आप मतलब आपने अच्छी अच्छी खासी स्केचिंग कर ली है, आपको एक्सपीरियंस हो चुका है, तब आप ये लेना, नहीं तो बिना एक्सपीरियंस के इनका कोई काम नहीं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यूज़ कैसे करनी है। तो वही बात है, इससे भी आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, जब आप इससे एक्सपीरियंस कर लेंगे उसके बाद ये लेना आप। डू यू यूज़ ग्रिड मेथड? हाँ जी मैं यूज़ करता हूँ ग्रिड मेथड, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो गाइस ये एक बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है कि हाउ टू शेड रियलिस्टिक स्किन, तो इसका मैं आपको रिजल्ट सिर्फ एक ही दूंगा कि आप एक पाठ अगुरनाग के चैनल को खोल के उसमें ये वाला ट्यूटोरियल चलाइए, इससे आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कैसे आपको शेड करनी है रियलिस्टिक स्किन, बहुत ही अच्छी तरीके से बताते हैं। मैंने खुद उनकी वीडियोज़ देखी हैं, बहुत ज्यादा मजा आता है उनकी वीडियोस को देखने में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। डू यू वॉश योर ब्लेंडिंग स्टम्प्स आफ्टर डूइंग ड्राइंग? ये भी एक बहुत ज्यादा मेन क्वेश्चन है कि आप अपने ब्लेंडिंग स्टम्प्स को धो देते हैं, तो ये मैं कभी नहीं करूँगा गलती, क्योंकि मैं ना जैसे अगर मैंने दिन में ख़त्म कर दी ड्राइंग उसके बाद मैं धो दूंगा, और 1-2 घंटे में तो वो सूखने वाले हैं नहीं, तो इसलिए मैं कभी भी नहीं धोता, रात को ख़त्म करूँगा तो नहीं धोऊँगा, मतलब मुझे अच्छा लगता है अपने ब्लेंडिंग स्टम्प्स को धोने में। तो
एंड अगर उसमें कोई चारकोल बच जाता है तो वो मैं उसको अगले ड्राइंग में यूज़ करता हूँ, अगली ड्राइंग में हेल्प करता है मेरे वो चारकोल। एंड बहुत ही ज़्यादा भूख लग रही है, मेरे पेट में भी दर्द होने लग गया, पर इस क्वेश्चन को हम जारी रखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर डू यू लिव? तो भाई मैं रहता हूँ हिमाचल प्रदेश इंडिया में, एंड यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो थोड़ा और अंदर जाते हैं। मैं रहता हूँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, देवी नगर। अब मैंने आपको इतना बता दिया, अब आप आगे का खुद खोज लेना। विच फ़ोन डू यू यूज़ फॉर शूटिंग वीडियोज़? तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा, पता नहीं किसने पूछा, पर बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास है बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल ओप्पो का, ओप्पो F1S। एंड लोगों को लगता है कि मैं DSLR से शूट करता हूँ, क्योंकि ये है मेरी शॉर्ट बॉक्स लाइट्स, जो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रही होंगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइट्स हैं। एंड इसमें सिर्फ 800 वाट के बल्ब्स लगे हैं, कुछ ज़्यादा मतलब जो ज़्यादा बिजली कंजप करते हो वो नहीं लगाए हुए हैं मैंने, काफ़ी ज़्यादा कम बिजली खाते हैं बल्ब, एंड काफ़ी अच्छी रोशनी प्रोवाइड करते हैं। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो है जो कि आपको ज़रूर वॉच करनी चाहिए, उससे आपको भी अच्छी नॉलेज मिलेगी एंड मुझे भी वॉच टाइम मिलेगा। एंड अब आ चुका है वो टाइम जिस टाइम मैं अपनी अर्निंग बताने जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आपको ज़रा अपनी अर्निंग दिखाता हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा सेव करके रखी हुई है अपनी अर्निंग। तो गाइस ये मेरी अर्निंग जो कि आपको दिख रही होगी, कितनी ज़्यादा अर्निंग है, क्या वो आपको नहीं दिख रही? यही तो है, देखो, अरे देखो ना जी, यही है। कुछ नहीं है मेरी अर्निंग अभी तक YouTube से, कुछ भी, सारा पैसा अभी तक YouTube के एडसेंस में ही है। एंड अभी तक मैंने पैसे अपने निकाले नहीं है, सारे अभी तक एडसेंस अकाउंट में ही पड़े हुए हैं। अभी तक मैंने कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं किया है, क्योंकि मेरे $100 ही नहीं हो पा रहे हैं। आप वीडियो ही नहीं वॉच करते, पूरी वीडियो देखना एंड इसका आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। एंड अभी जितनी मेरी अर्निंग है उतनी बता देता हूँ आपको कि मेरी $100 कंप्लीट हो चुके हैं 3 महीने बाद, एंड उसको मैं जल्दी ट्रांसफ़र कर लूँगा। वैसे YouTube पे पता नहीं चाहिए अपनी अर्निंग, पर मैंने आपको सिर्फ आइडिया दिया है। एंड अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, वेयर डू यू बाय, मतलब कहाँ से आप आर्ट मटेरियल बाय करते हो? तो ये बहुत ही ज़्यादा, जहाँ से मुझे सबसे बेस्ट, सबसे लो रेट एंड सबसे बेस्ट आर्ट मटेरियल्स मिलते हैं वहाँ से मैं बाय करता हूँ। जैसे कि अगर मुझे अपने बाज़ार में मिल रहा है वो, तो वहीं से ही लूँगा हमेशा, क्योंकि वहाँ पर सबसे चीप रेट एंड ठीक क्वालिटी का मिल जाता है। अमेज़ोन पे मैं कभी कभी बाय करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं है, अमेज़ोन से ज़बरदस्ती बाय करने पड़ते हैं, ऊपर से 80 रुपये और थोप देते हैं डिलीवरी चार्जेस के, तो मुझे अच्छा लगता है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है कि आप कौन सी मतलब वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं? तो मैं यूज़ करता हूँ पावर डायरेक्टर, एंड ये मैं शुरू से ही डिपेंड हूँ इस पर, एंड काफ़ी ज़्यादा लोग काइन मास्टर प्रेफर करते हैं, पर मैंने क्या है ना, मेरे फ़ोन में काइन मास्टर वो नहीं हो पा रहा है डाउनलोड, क्योंकि इसमें वो वर्जन मतलब कंपेटिबल नहीं है बस। अगला लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास खुद का मोबाइल है? तो भाई कभी नहीं हो सकता मेरे पास खुद का मोबाइल, मैं पापा का मोबाइल यूज़ करता हूँ, मतलब मम्मी का ही हो चुका है, घर में रहता है ये हमेशा मोबाइल, क्योंकि मेरी ऑनलाइन क्लासेज आती हैं तो उसको भी अटेंड करना पड़ता है, तो इसलिए इसको घर पर रख दिया था। अब घर पर बैठ के मैंने ऑनलाइन क्लासेज तो करी नहीं, यूट्यूब वीडियोज स्टार्ट कर दी, तो बस यही है मेरी यूट्यूब की कहानी। तो कैसे लगा आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल में हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।